पाकिस्तान से भारत आई मूक बधिर गीता का मामला एक बार फिर से तूल पकड़ता जा रहा है। हालांकि इस बार कुछ और बात सामने आ रही है। गीता को अपनी बेटी बताने वाले कई परिवार इंदौर आए, लेकिन अभी तक गीता के माता पिता की पुष्टि नहीं हो पाई है। पाकिस्तान से भारत लाई गई मूक बधिर बेटी गीता को इन दिनों इंदौर से उज्जैन मूक बधिर सेंटर में जाने के आदेश भोपाल से जारी होने की बातें सामने आ रही हैं। लेकिन इस मामले में कलेक्टर का कहना है कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। गीता के द्वारा पिछले दिनों सेंटर में हुए विवाद को लेकर सवाल पूछा गया, तब भी कलेक्टर ने इन सारी बातों को नकार दिया। नहीं, मेरी जानकारी में नहीं है और ऐसी वर्तमान में कोई स्थिति भी नहीं है, और आपके द्वारा मुझे ये बताया जा रहा है तो मैं उसको क्रॉस चेक करवा लेता हूँ, बट वर्तमान में ऐसी कोई स्थिति है नहीं। इसलिए मैंने कहा कि कोई ऐसी नस्ती या कोई ऐसा पत्र मेरे संज्ञान में नहीं आया है। आपने मुझे बताया, मैं इसको और परीक्षण करवा लेता हूँ। मेरा ये कहना है कि जिला प्रशासन इस प्रकार के संवेदनशील मामलों में पूरी तहकीकात करने के बाद और समस्त स्टेक होल्डर्स की इन्वॉल्वमेंट करने के बाद ही आगे बढ़ने के पक्ष में रहता है। हमारा ये कहना है कि यह बात निर्विवाद है कि गीता भारत की बेटी है और उनके रखरखाव में और उनके वेलफेयर के लिए जो भी हमें करना होगा वो करने के लिए हम कमिटेड हैं। ऐसी बात ना तो गीता ने कभी मुझे कही, ना ही गीता के साथ में रहने वाली संस्था के पदाधिकारी ने मुझे कोई ऐसा अगर बोला हो। ये कहीं से कहीं तक के सही नहीं है, ये असत्य और भ्रामक है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि गीता को उज्जैन में स्थानांतरित करने की बातें सामने आ रही है, तो इस बारे में अभी तक कलेक्टर को जानकारी क्यों नहीं है। दूसरी बात, क्या गीता के रवैये को देखते हुए गीता को ट्रांसफर करने की बातें चल रही हैं? अगर ऐसा है तो इसके पीछे की सच्चाई क्या है?